ऐसा इतिहास विच आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश दे भ्रमण करने ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज दा भ्रमण नौखंड पृथ्वी दा है। जद कदी संसार दी दौलत बहुती मिलदी है मनुख नूं, तां उहनूं समेटण दा, संग्रह करन दा ते छुपाण दा जज्बा भी नाल पैदा हुंदा है। पर जद अध्यात्मक दी दौलत मिलदी है, रब्बी दौलत मिलदी है, रूहानी दौलत मिलदी है, तां फिर मनुख दे अंदर इस जज्बे दा जन्म हुंदा है कि उहनूं मैं वंडणा है, उहनूं मैं तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जे बहुती वंडी है, खत्म होंदी है, घटदी है, अध्यात्मक दौलत जितनी बनती है उतनी ही बनती है। जितनी तकसीम करिए उतना ही वादा होंदा है। ये उसे दा ही जिक्र है कि खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वधदो भाई। वास्तविक धन ओही धन है जिदे वंडदिया वधे, जो वंडदिया घटदा है ओ धन नहीं। इस वास्ते नाम नूं भगत जना ने परम धन आख्या। नाम दी दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया ता आप वंडन लई चल पै। अक्सर धन बहुता जे किसे नूं मिल भी जाए ता वध तो वध अगर वंडेगा भी सही, मजबूर होके, तो परिवार दे छी वंडेगा, पुत्रां च वंड देगा, भरावां दे च वंड देगा। इस तो अगे उसकी वंडन की ना समर्था है, ना उसके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा। पर जब कोई रब्बी दौलत नाल माला माल होता है तो सिर्फ परिवार विच नहीं बनता, सारा संसार उस लई परिवार बन जाता है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नौखंड पृथ्वी विच इस रब्बी दौलत नूं वंडन लई चल पए। इराक विच जब आपने सत नाम की बांग दिती, बांग इसलिए कह रहा कि बांग की तरस के उते ही सत नाम का उचारण किया, जिसका जिक्र भाई गुरदास जी करते हैं। दित्ती बांग निवाज कर सुन समाध हुआ जाना, ऐसी बांग ऐसी सदा कि लोगों के मन सुन हो गए। जिथे विचार शांत हो जान, फुरने रुक जान, उसनों कहने में सुन अवस्था, सुन समाध। जैसे शरीर दे श्वास रुक जान ते कह देने शरीर सुन हो गया, मन दे विचार रुक जान तो मन सुन हो गया। एक बांग नाल जिन्हां दे मन सुन हो गए, एक आवाज नाल जिन्हां दे मन सुन हो गए, उस आवाज दे कितनी कशिश सी, उस आवाज दे कितना जादू सी, उस आवाज दे कितना रूहानी ज्ञान सी ते कितना रूहानी आनंद सी। भाई साहब कहने सुनमुन नगरी हो गई, सारे अपने आप विच लीन हो गए। इस ढंग की सदा गुरु नानक देव जी महाराज ने दिती है, और कहने ये सदा भी निकलती है सुन हिरदिया चो, सुन मन दे चो। जब मनुख का मन निर्विचार हो जाता है तो उहदे चो जिहड़ी आवाज निकलती है उहदे च बरकत आउंदी, उहदे च ताकत आउंदी है कि दूजियां दे मन नूं भी वह निर्विचार कर देवे, दूजियां दे मन नूं भी वह सुन कर देवे।